हेलो फ्रेंड्स, मुझे आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इनवॉइस को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, यानी कि अपनी इनवॉइस की आप साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेंगे, चाहे वो आपकी इनवॉइस की हाइट हो या उसकी चौड़ाई हो, आप कैसे उसे इंक्रीज़ करेंगे टैली के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं, उन्हें भी मैं कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो नीचे में आपको एक रेड रंग का बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर आपको सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद आप उसके बगल में देख सकते हैं कि एक बेल का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी मेरी न्यू वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं सेल्स वॉचर में हूँ और ये फ्रेंड्स कोई ज़्यादा हार्ड ट्रिक नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। और मेरे ख्याल से जो लोग टैली यूज़ करते हैं सभी को ये ट्रिक्स आती होंगी, लेकिन मैंने ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो लोग फर्स्ट टाइम टैली यूज़ कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग टैली यूज़ कर रहे हो लेकिन उन्हें ये ट्रिक ना पता हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, या एक्सेप्ट करने से पहले भी कई लोग प्रिंट्स निकालते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि कई लोग अपनी प्रिंट कॉस्ट बचाना चाहते हैं, क्योंकि टैली में जो बाई डिफ़ॉल्ट रहता है हाइट इनवॉइस का, या जो उसका फॉर्मेट रहता है, उसमें आपकी मेरे ख्याल से 7-8 आइटम्स आ पाएंगी एक इनवॉइस के अंदर, फिर उसको नेक्स्ट पेज में वो उसे कवर कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि हमें ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर बायर और ट्रिप्लीकेट, ये सारी कॉपी निकालनी पड़ती है। अगर वो ज़्यादा पेजेस में ले जाएगा उन्हें, तो जो आपकी प्रिंट कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उस सिचुएशन में वो अपनी प्रिंट कॉस्ट कम करने के लिए इस तरीके का यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर एल्ट पी प्रेस करेंगे किसी भी वाउचर में आप रहते हुए। उसके बाद ये होता है प्रिंट के लिए, आप देख सकते हैं बटन बार पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें आपको एक विथ प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, जो कि अभी नो प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन रंग का बटन बार है राइट साइड में। इसके लिए आपको एल्ट के साथ आई इसकी शॉर्टकट है, जैसे आप प्रेस करके ये ला सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू, ये आप देख सकते हैं वाउचर प्रिंटिंग में आपको यहाँ पर लिख के आ रहा होगा विथ प्रिंट प्रीव्यू। इससे क्या है कि आप इनवॉइस निकालने से पहले आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से है, और वापस जब आपको प्रिंट निकालना हो अपने प्रिंटर वगैरह से तो इसे वापस से ऑफ़ कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जैसे आप नो प्रीव्यू है इस पर क्लिक करेंगे तो विथ प्रीव्यू हो जाएगा, तब आप उसके बाद डायरेक्ट अपनी इनवॉइस निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मुझे आपको दिखाना है तो मैं विथ प्रिंट प्रीव्यू में रखूँगा। अब इसमें आप F12 प्रेस करेंगे इसमें वो सेटिंग लाने के लिए, फिर से आप एक बार F12 प्रेस करेंगे कॉन्फिगर के लिए, आप देख सकते हैं मोर ऑप्शंस ओपन करने के लिए आपको फिर से दोबारा से F12 प्रेस करना है एडवांस सेल्स कॉन्फ़िगर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखी हैं, आप वहाँ से समझ लेंगे। और कुछ चीज़ें जो आपको इसमें अपनी इनवॉइस में कुछ कॉलम्स चाहिए होंगे, ये सब तो आपको साफ लिखा हुआ है, उसके बगल में यस या नो का ऑप्शंस है, वो आप देख के समझ ही सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो बातें हैं नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली की रहती है वो 10 रहती है हाइट। उसके बाद आप अगर चौड़ाई की बात कीजिएगा, विड्थ की बात कीजिएगा, तो आपको वहाँ पर 7.5 रहता है। और ये जो मार्जिन ऑन टॉप ये 0.25 रहता है, और ये जो मार्जिन ऑन लेफ्ट ये आपको 1 रहता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं वापस से जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है टैली की वो कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जब भी आप इनवॉइस की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करें तो हाइट के साथ आप उसकी जो चौड़ाई है उसे भी इंक्रीज़ करें। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ हाइट इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट 7.5 रहता है ये इसे इंक्रीज़ नहीं करते, तो क्या होता है इनवॉइस कुछ अजीब सी दिखाई देती है, यानी कि सिर्फ एक साइड इनवॉइस आती है, पूरा पेज राइट साइड में ब्लैंक हो जाता है। तो वैसा नहीं करेंगे, जब भी आप इंक्रीज़ करेंगे हाइट उसके साथ उसी रेशियो में आप उसकी चौड़ाई को भी इंक्रीज़ कर लेंगे। तो या मैं एल्ट ए के साथ इसे एक्सेप्ट करूंगा या इंटर इंटर के साथ एक्सेप्ट करूंगा, यानी कि आप एक बार अगर इसे इस तरीके से सेट कर देते और एक्सेप्ट कर देते हैं तो आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका ये हर जो भी आप प्रिंट करेंगे उसमें उसी फॉर्मेट में आपकी इनवॉइस निकलेगी। और मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन कर दूँ कि आप जब भी करें पूरे साल के लिए एक ही फॉर्मेट का यूज़ करें, आप फर्स्ट टाइम ही पूरा सेट कर लेंगे किस तरीके से आपको फॉर्मेट इनवॉइस चाहिए, फॉर्मेट चाहिए इनवॉइस का। ठीक है, अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो ये सही प्रोसेस नहीं होता है कि हर इनवॉइस पर आप उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, ये परफेक्ट प्रोसेस नहीं होता, एक साल तक कम से कम आप वही चलाएं। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और बात आपको एक्सप्लेन कर दूँ, पहले मैं इसे सेव कर दूँ। जब आप उसकी हाइट या चौड़ाई को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका जो फॉन्ट है ना उसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाएगी, जो नॉर्मल इसकी फॉन्ट की साइज़ है उससे वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जैसे आप अभी देख लीजिए इसकी नॉर्मल क्या है, तो एल्ट जेड प्रेस कीजिए जूम करने के लिए, या जूम पर क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई इतनी है प्रिंट प्रीव्यू में और इसकी लंबाई इतनी है। ठीक है, अभी आपको अगर इसे इंक्रीज़ करना है तो फिर से आप एल्ट पी प्रेस कीजिए और अपनी सुविधा अनुसार
जो मैं रेशियो ले रहा हूँ आपको जरूरी नहीं कि वही आप लें, अपनी सुविधा अनुसार आप ले लें। जैसे सपोज मैंने यहाँ 12 लिया और यहाँ मैंने जो इसकी चौड़ाई है वो 8.5 ले ली, सॉरी 8.50, यहाँ पर भी मैंने 8.50 ले ली, ठीक है। फिर मैंने LT के साथ इसे एक्सेप्ट कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ, वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। ऐसे आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। या जो आप देख रहे हैं कि जब फर्स्ट टाइम आप F12 यानी कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन में जहाँ पर मेरा ये ब्लिंक कर रहा है, प्रिंट कस्टमर सिग्नेचर दिखाई देता है। इससे आप यस रखेंगे तो आपके में इनवॉइस में कस्टमर सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका बेनिफिट क्या होता है, आप मतलब जब अपने सिटी से बाहर किसी को गुड्स दे रहे हैं तब तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ कुछ सिचुएशंस में आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन अपने सिटी में आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये ऑप्शन एक्टिवेट रखते हैं अपने इनवॉइस में तो ट्रिप्लीकेट सप्लायर के लिए होती है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट ये बायर को दी जाती है जो आप इनवॉइस निकालते हैं। तो इसमें क्या, अगर आप इसमें ये यस रखते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप जब अपनी इसको बायर को आप कुछ भी गुड्स देते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो आपको पेमेंट कई बार होता है कि एडवांस करता है, कई बार होता है कि वो आपको क्रेडिट लेता है, 10-15 दिन की टाइम्स लेता है आपसे, और आप जो गुड्स भेजते हैं वो किसी अपने रिक्शे से भेजते हैं या अपने जो ठेले वगैरह होते हैं या आपके जो लोकल गाड़ियाँ चलती हैं उनसे भेजते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कई बार होता है कि जो पार्टी है वो अगर 10 दिन बाद बदल जाती है, कहती है कि मैंने आपसे गुड्स नहीं लिया, तो उस सिचुएशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ना ही कोई प्रूफ रहता है जिससे आप ये प्रूफ कर पाए कि आपने उसे कुछ गुड्स दिया है अपने सिटी के अंदर में। तो अगर आप इसे ऑप्शन को यस रखेंगे और आप जब गुड्स दे रहे हैं इस पर आप अगर साइन करवा लेंगे अपनी जो ट्रिप्लीकेट कॉपी है, तो उससे आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि उसने वो गुड्स रिसीव किया। वो कल को ये कह सकता है कि आपने गुड्स भेजा, मैंने रिसीव नहीं किया। या अगर उसने एडवांस दिया, सपोज मान लीजिए आपको एडवांस दिया है और आपने उसे गुड्स भेज दिया, इनवॉइस भेज दी, लेकिन अगर वो 10 दिन बाद या रिटर्न जिस दिन फाइल हो, आपने फाइल कर दिया रिटर्न कि मैंने उसे गुड्स दिया लेकिन उसने फाइल नहीं किया, ठीक है। अब उसने ब्लेम लगा दिया कि मैंने इनसे कोई गुड्स नहीं लिया। फॉर एग्जांपल वो अपनी अगर सेल को कम दिखाना चाहता है यानी कि परचेज़ को कम दिखाना चाहता है उस सिचुएशन में कि मेरी परचेज़ ज़्यादा नहीं हो जाए। बहुत से लोग हैं जो कंपोजिट डीलर में कंपोजिशन स्कीम लेके रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी परचेज़ ज़्यादा नहीं दिखाने के लिए अपनी परचेज़ ऐसे ही 2 नंबर में लेके चलते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आएगी क्या कि आप दिखाएंगे कि मैंने सेल किया, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या वो कल को ब्लेम कर सकता है आपके ऊपर कि मैंने एडवांस दिया लेकिन मुझे अभी तक गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा क्योंकि जो रिक्शे से आप भेज रहे हो सकता है उसे आप जानते हो नहीं जानते हो और उनकी वैल्यू कोई खास रहेगी नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो अगर आप वो जो ट्रिप्लीकेट कॉपी है उस पर आप उसकी साइन ले लें, जरूरी नहीं कि आप उसी वक्त भेजते वक्त ले लें, हो सकता है आप आधे घंटे आपके सिटी में तो आप हो सकता है उसके एरिया में कभी ना कभी तो जाते ही हो पेमेंट कलेक्शन के लिए या किसी भी रीजन से ऑर्डर लेने के लिए, आप उस वक्त उससे उस पर एक बार साइन ले लें। 99% लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाएगा कि हाँ उसने आपसे गुड्स रिसीव किया, वो आप पे कभी ब्लेम नहीं कर सकता। रिटर्न अगर फाइल नहीं करेगा तो ब्लेम उस पर जाएगा क्योंकि उसने साइन कर दिया। तो ये आप ऑप्शन यस रखें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आप देख लें कि आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने किया LT के साथ सेव और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं आप इसकी जो चौड़ाई और हाइट है वो बढ़ चुकी है। अब इसमें आपका बहुत आइटम आ जाएगा, आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसे हाइट या चौड़ाई को इंक्रीज़ करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसकी जो जो फॉन्ट की साइज़ है वो थोड़ी कम होती जाएगी, जो बोल्डनेस है वो उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार और जितने में इनवॉइस सही भी लगे उसे अनुसार आप उसे करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स ये होता है। अब मैं आपको सेकेंड टॉपिक लूँ जिसपे जो मुझसे कमेंट में पूछा गया है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से किसी एक ने पूछा था कि सर अगर मान लीजिए मेरा डेटर जिसे मैं सेल करता हूँ, अगर मैं उसी से कुछ सामान परचेज़ भी करता हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप जिसे सेल करते हो उससे आप परचेज़ भी करते हो, पेमेंट नहीं लेते हो, उससे कोई गुड्स उठा लेते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैं जब उसका लेजर क्रिएट करूँ तो मैं किस में रखूँ, सन्ड्रे क्रेडिटर में रखूँ या सन्ड्रे डेटर में? तो मैंने उनसे कहा था आप किसी में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैली खुद ट्रैक कर लेगा। अगर मान लीजिए आपने उसे सन्ड्रे क्रेडिटर में रखा है, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड जाएगा जो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएगा, ठीक है, जिसमें अगर आपने उसे उससे कुछ गुड्स परचेज किया है तो आपने अगर उधार में परचेज किया है, जैसे परचेज किया वो क्रेडिट साइड दिखाई देगा आपको। और अगर मान लीजिए आपने उसे कुछ गुड्स दिया है, अगर आपने सन्ड्रे क्रेडिटर में रखा है तब की मैं बात कर रहा हूँ,
तो वो आपको डेबिट साइड दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए कि आपने किसी को सन्डे डेटर में डाल दिया है, तो अगर आपने उसे कुछ गुड्स सेल किया है तो वो डेबिट साइड दिखाई देगा, और अगर आपने कुछ गुड्स परचेस किया उससे या पेमेंट लिया तो आपको क्रेडिट साइड दिखाई देगा। तो टैली उसे ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेता है वो, तो उसको आप किसी में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप देखिए कि ज़्यादा डीलिंग आपकी किस किस चीज़ से होती है, मतलब आप उससे ज़्यादा परचेस करते हैं या ज़्यादा सेल करते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम किसी को सेल करते हैं 10 बिल्स 1 महीने में या 2 महीने में, लेकिन उससे परचेज 1 बिल करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप उसको प्रायोरिटी दीजिए जो चीज़ आप ज़्यादा करते हैं। यानी कि अगर आप सेल ज़्यादा करते हैं तो उसको डेटर में रखिए, और परचेज़ ज़्यादा करते हैं तो क्रेडिटर में रखिए, और बाकी अगर आप दोनों में से किसी एक में रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टैली उसे ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा डेबिट या क्रेडिट साइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।